ओम शांति। आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल सी द सो द ट्रुथ लाइज विद इन में। और आज हम कर रहे हैं 20वें दिन की श्री वरदान की रिकॉर्डिंग, जहाँ पे परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम किसी भी परिस्थिति में हम साक्षी हो जाएं और हम उस साक्षीपन के आसन पर विराजमान होकर के, जैसे एक तपस्वी होता है वो देखते हुए भी उसको कोई फीलिंग नहीं आ रही है, किसी का देहांत हो रहा है, किसी की मृत्यु हो रही है सामने, लेकिन उसको कोई उसमें अपहीवल नहीं हो रहा, उसको कोई उसमें चिंता हाय क्यों हाय ऐसे क्यों नहीं, क्योंकि उस वो ज्ञानी आत्मा है, उसको कोई भी चिंता नहीं हो रही है, उसको किसी भी प्रकार का हलचल नहीं हो रहा है उसके मन में, वो सैड नहीं फील कर रही है, वो बेमुख नहीं हो रही है। तो परमात्मा चाहते हैं कि हम इस अवस्था में पहुंचे। तो साक्षीपन के अचल आसन पर विराजमान रहने वाले अचल अडोल प्रकृति जीत भव, ना डोलेमान हो जैसे अंगद जिसका पैर नहीं हिला पाए थे लोग, तो अचल अडोल बिल्कुल कोई परिस्थिति आ जाए मैं अचल अडोल, मेरे को करना ही करना है। तो प्रकृति चाहे हलचल करे या अपना सुंदर खेल दिखाए, प्रकृति मतलब ये शरीर भी पांच तत्व प्रकृति का बना हुआ है, इसमें अगर कोई बीमारी आ जाए है ना, या कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसमें हाय ये मेरे को क्यों हुआ, हाय तौबा करना, हाय मैं बीमार हूँ, हाय मैं ये हूँ। परमात्मा कहते हैं कि प्रकृति, और प्रकृति बाहर भी होगी, पांच तत्व भी हैं, भूकंप आता है वो भी प्रकृति से ही होता है ना, बाढ़ आती है वो प्रकृति से होती है, तूफान आते हैं वो प्रकृति से होती है, बहुत तेज बारिश पड़े तूफान आए बर्बादी हो जाए, खेती बाड़ी खराब हो जाए, घर में प्रॉब्लम हो जाए, लैंडस्लाइड आ जाए, ये सब कुछ प्रकृति है ना। तो प्रकृति चाहे हलचल करे या अपना सुंदर खेल दिखाए, दोनों में प्रकृतिपति, हमें परमात्मा क्या कर रहे हैं, प्रकृतिपति आत्माएं साक्षी होकर खेल दिखती हैं, वो हाय हाय नहीं करती, हाय तो नहीं करती, क्यों हो रहा है, अरे मेरे साथ क्यों हो गया, अरे मेरा धन चला गया, अरे मेरी प्रॉपर्टी चली गई, अरे मेरे बच्चे को ये हो गया, अरे मेरे वो हो गया, ये सब कुछ उनके संकल्प आ ही नहीं सकते, क्योंकि मेरा कुछ भी नहीं है इस ज्ञान के हिसाब से। परमात्मा फिर कहते हैं खेल देखने में मजा आता है, घबराते नहीं है ना, कोई अगर हम खेल देख रहे हैं, हम कोई स्टेडियम में जाके खेल देख रहे हैं, या हॉकी का मैच देख रहे हैं, तो या क्रिकेट का मैच देख रहे हैं, फुटबॉल देख रहे हैं, तो अगर आप दोनों साइड से नहीं हैं, अगर आप दोनों में से किसी एक पक्ष के हो गए तो हलचल आएगी, लेकिन अगर आप न्यूट्रल होकर के देख रहे हैं, आप बस इंजॉय कर रहे हैं, आपके लिए कोई टीम भी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आप देख रहे हैं कौन जीतता है कौन हारता है देखें तो जरा बड़ा मजा आएगा। आप न्यूट्रल होकर के देख रहे हैं तो आप इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक साइड पकड़ ली कि मेरे ये टीम मेरी इसको ही जीतना है, तो आप हाई सैड हो सकते हैं या तो बड़े खुश हो जाएंगे बिल्कुल अचानक से। तो परमात्मा हमें वो सिखा रहे हैं यहाँ पे ज्ञान, जो तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति के अचल आसन पर विराजमान रहने का अभ्यास करते हैं, हमें अभ्यास सीखते हैं हम यहाँ पर कि हम साक्षी होकर के हर चीज देख रहे हैं, बच्चों का जो पार्ट होता है, माता पिता की जो पार्ट होता है, वो भी आत्माएं हैं, वो भी अपना रोल खेल रही हैं, तो हमें हाय तौबा नहीं मचानी है, उसमें भी साक्षीपन करके देखना है, कोई मरता नहीं, जैसे अभी यूक्रेन और रशिया की वॉर हो रही है, वहां पे बहुत आत्माओं ने शरीर छोड़ा है लेकिन कोई मरा नहीं है, हम कहते हैं मर गए, अरे कितने लोग मर गए, नहीं मरा कोई नहीं, आत्मा को शरीर से अलग कर दिया, तो आत्मा तो जिंदा है जो कि बोल रही थी कर्म कर रही थी, उसका शरीर अलग हो गया, फिर से जन्म ले लेगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उन्हें प्रकृति की व व्यक्तियों की कोई भी बातें हिला नहीं सकती, प्रकृति और माया के पांच पांच खिलाड़ी है ना, एक हो गए पांच खिलाड़ी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और पांच तत्व हो गए, फाइव एलिमेंट्स हो गए आपके है ना, जिसमें कि आपका क्या हो गया, जल हो गया, पृथ्वी हो गई, उसके बाद में आपका हो गया वायु हो गया, अग्नि हो गया है, और उसके बाद में आकाश हो गया, ये पांच पांच चीजें हलचल कर सकते हैं ना, तो इनके हलचल हो सकता है, खिलाड़ी अपना खेल कर रहे हैं और आप उसे साक्षी होकर देखो, तब कहेंगे अचल अडोल प्रकृति जीत आत्मा, चारों तरफ क्या हो रहा है, हलचल हो रही, लेकिन आप क्या हो, आपको कोई असर पड़ रहा नहीं है इसका। तो ये स्थिति कैसे हम बनाएं, उसके लिए आपको 7 दिन का कोर्स करना जरूरी है, सिर्फ 7 दिन में तो होता नहीं है, लेकिन साप्ताहिक कोर्स करने से आपको बेसिक नॉलेज आती है, फिर उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करते हैं, हर दिन आप नॉलेज लेते जाते हैं, तो आपके अंदर और शक्ति बढ़ती जाती है। तो आज के ये श्री वरदान, इसी के साथ में ओम शांति।